अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम करती हूँ आपको यूएई न्यूज़ ऑफिशियल चैनल पर। तो नाज़रीन, अगर आप किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं जैसे कि दुबई, कतर, सऊदी अरेबिया, और आप फ्री वीज़ा जॉब्स हासिल करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एप्लीकेशन का लिंक मौजूद है, जहाँ से जाके आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पढ़ते हैं अपनी आज की पहली खबर की जानिब। मुतहदा अरब इमारात में ऐसी ट्रैफिक खिलाफ वर्जियाँ जिन पर हजारों दरहम का भारी जुर्माना होता है। तफसीलात के मुताबिक इमारात में ट्रैफिक कवानीन पर सख्ती से अमल करवाया जाता है, और जो लोग ट्रैफिक रूल्स के खिलाफ वर्जी करते हैं इन्हें भारी जुर्मानों का सामना करना पड़ता है। कुछ ऐसे ही भारी जुर्माने ये हैं। मुतहदा अरब इमारात में बगैर नंबर प्लेट गाड़ी चलाने पर 3,000 दरहम का भारी जुर्माना होगा। लाइसेंस पर 23 ब्लैक पॉइंट्स का इंदराज किया जाएगा, जबकि 90 रोज के लिए गाड़ी जब्त भी कर ली जाएगी। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। मौसमियाती आलूदगी पर काबू पाने के लिए इमाराती हुकूमत का बड़ा फैसला, जदीद चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस इलेक्ट्रिक बसेस का ट्रायल शुरू कर दिया। तफसीलात के मुताबिक यूएई की रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी आरटीए ने हफ्ते को 2,07,900 इलेक्ट्रिक बसेस को ट्रायल के लिए सड़कों पर उतारा है। नई बसेस लॉन्ग एयर साउथ, किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज स्ट्रीट और अलसफूरा ट्राम स्टेशन के दोनों अतराफ चलेंगी। आरटीए ने अपने बयान में कहा है कि दोनों बसें बेहतरीन चार्जिंग टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो कि दुबई में पहली बार तजुर्बा की जा रही है। बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की जानिब। मुतहदा अरब इमारात में 4 तातीलात एयरलाइंस ने खसूसी किराए मुतारिफ करवा दिए। तफसीलात के मुताबिक इमारात की एयरलाइंस ने 4 छुट्टियों में मुसाफिरों के लिए खसूसी किरायों का ऐलान कर दिया। यूएई में साल के आखिर में 4 दिनों की तातीलात एक साथ आ रही हैं। शहरियों को ये वक्फा 1 दिसंबर से 4 दिसंबर तक मिलेगा। इसी हवाले से इमाराती एयरलाइंस ने कौमी दिन की तातीलात के दौरान रिहायशियों को बैरून मुल्क छुट्टियों से लुत्फानंदोज होने के लिए खसूसी पैकेजेस मुतारिफ करवा दिए हैं। बढ़ते हैं अपनी अगली बड़ी खबर की जानिब। दुबई एयर शो में सऊदी मिलिट्री इंडस्ट्री की शिरकत की तैयारी। तफसीलात के मुताबिक सऊदी अरब की जनरल अथॉरिटी बराए मिलिट्री इंडस्ट्रीज 14 से 18 नवंबर तक दुबई एयर शो के 7वें सेशन में शिरकत की तैयारी कर रही है, जो इमारात के अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक्किद होगा। दुबई एयर शो में सऊदी अरब की नुमाइंदगी में मिलिट्री इंडस्ट्रीज की शिरकत मुमलिकत की तरफ से फौजी सनअत को लामहदूद हिमायत और इस पर तवज्जो का सबूत है। चलते हैं अगली खबर की जानिब। कोई किसी पर उंगलियां नहीं उठाएगा, पाकिस्तान की T20 सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद बाबर आजम की जज्बाती तकरीर। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम की कायदाना सलाहियतें पूरे ICC T20 वर्ल्ड कप के दौरान दिखाई थी, और इन्होंने अपनी टीम की पुरजोश मुहिम साजी में शादो नादिर ही कोई गलती की होगी, लेकिन इस सब का इख्तिताम जुमेरात की रात मैथ्यू वीड और मार्क्स और एस्टोनियस की शानदार बल्लेबाजी के बाद ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेटों से शिकस्त देने के बाद हुआ, जब दुबई में दूसरा सेमीफाइनल मैच खेला जा रहा था। पाकिस्तान ने मैच के बेशतर हिस्सों में गलबा हासिल किया, लेकिन एस्टोनियस और वेड की तरफ से देर से आने वाले बुलेट्स ने बाबर आजम और इनकी टीम को पैकअप तक पहुँचाने की उम्मीदों को नुकसान पहुँचाया। चलते हैं अपनी आज की आखिरी खबर की जानिब। इमारात में कोरोना के 72 नए केसेस, कोई हलाकत रिकॉर्ड नहीं की गई। तफसीलात के मुताबिक इमारात में जुम्मा 12 नवंबर को पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के मजीद 72 मरीजों की तस्दीक हुई है। इमारात की सरकारी खबर रसा एजेंसी फॉर्म ने वजारत सेहत के हवाले से बताया, मुतासरीन की तादाद बढ़कर 7,40,801 हो गई है। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में पिछले 24 घंटे के दौरान जदीद तशखीसी आलात की मदद से कोरोना के मजीद 2,74,815 टेस्ट किए गए। वबा से मुतासर मरीजों में से मजीद 52 मुकम्मल सेहतियाब हो गए। सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर 7,35,362 हो गई है। बयान में कहा गया है कि पिछले 24 घंटे के दौरान जेरे इलाज मरीजों में से कोई हलाक नहीं हुआ। मरने वालों की तादाद 2,142 रही। इलावा अजीम वजारत सेहत के ऐलान के मुताबिक पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की मजीद 42,818 खुराकें दी गई हैं। अब तक मजमुई तौर पर वैक्सीन 2,15,02,582 खुराकें दी जा चुकी हैं। अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई और ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।